आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, PUBG से कुछ बात सीख लोगे तो तुम्हारा लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगा। जब तुम PUBG खेलते हो, तुम्हारे घर वाले तुमको डांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन तुमसे ये कोई नहीं कहता। बेटा, इस गेम से कुछ ऐसा सीख जो तेरी लाइफ को बहुत बेहतर बना दे। आज मैं आपको PUBG का ये 5 बात बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तुम ये बात सीख लोगे तो तुम्हारा लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगा। तीसरा और चौथा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, प्लान बनाकर खेलो। कुछ लोग होते हैं जो बिना प्लान गेम को खेलते हैं और उनको बहुत जल्दी गेम से बाहर होना पड़ता है। बट जब तुम लोग कुछ प्लान के साथ PUBG को खेलोगे तो तुम उस गेम को जीत सकते हो। जब तुम प्लान बनाना शुरू करोगे तो तब तुमको पता चलेगा प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और एक बार, हम सबको पता है प्लान बनाकर काम करने से काम बहुत जल्दी और आसानी से खत्म हो जाता है, इसलिए प्लान बनाना हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टीम वर्क इस गेम के लिए बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा ये टीम वर्क हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तुम PUBG खेलते हो, या तो सोलो या फिर स्क्वाड खेलते हो, जब तुम्हारा खुद का स्क्वाड नहीं होता फिर भी तुम रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो और वो तुमको अकेला छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा स्क्वाड आकर तुम्हारी मार देता है। जैसे PUBG में यूनिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे लाइफ में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3. एनिमी को कमजोर मत समझो। अपने एनिमीज को कमजोर समझकर कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ओवर कॉन्फिडेंट तुमको ले डूबेगा। अपने एनिमी को कमजोर समझना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है तुमको बहुत अच्छे से खेलना आता है और तुम्हारे पास बहुत अच्छा लूट होता है, बट तुमको एक नूब बंदा आकर मार देता है। कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कई बार हम अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर समझ लेते हैं जो हमारे हार का बहुत बड़ा कारण होता है, इसीलिए कभी भी अपने एनिमीज को कमजोर मत समझना। 4. वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। सही पल का इंतजार करो। तुम सब लोगों ने जरूर सुना होगा, मौके पर चौका। इसका मतलब है मौका मिलते ही अपना काम कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को तुमने PUBG में देखा होगा जो खुलेआम घूमते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक बंदा दूर स्नैपर लिए बैठा होता है और खुलेआम घूमते बंदे को एक शॉट में मार गिराता है। कई बार तुमको लोग कहते हैं छुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल। बट कई बार छुप कर बैठने का मतलब सही पल का इंतजार करना है, इसीलिए तुम हमेशा लाइफ में सही मौके का इंतजार करो। 5. एंजॉय योर लाइफ। रीड योरसेल्फ।